उत्तर भारत में गर्मी को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा चुका है। कई जगहों पर लू की चेतावनी भी दी जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि गर्मी अभी और भी ज्यादा सताने वाली है, क्योंकि नौतपा के दिन अभी बाकी है। दावा किया जाता है कि नौतपा के 9 दिनों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होगा, जो 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कुछ कहता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक नौतपा को लेकर जो कुछ भी कहा जाता है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। नौतपा को लेकर जो दावे किए जाते हैं उससे साइंस बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ऐसी कोई भी स्टडी या थ्योरी सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो सके कि पूरे साल के 9 दिन सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के उलट मौसम वैज्ञानिक ने 25 से 2 जून के बीच बारिश की संभावना जता दी। उन्होंने दावा किया है कि बारिश के बाद गर्मी से राहत जरूर मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आ जाएगी। उन्होंने कहा 21 जून को सूर्य धरती के सबसे नजदीक होता है, इसलिए इस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होती है। साइंस के मुताबिक ये प्रूफ नहीं है कि 9 दिनों में सूर्य धरती के नजदीक होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि नौतपा को लेकर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद से अगले 9 दिन सबसे अधिक गर्मी होगी। इस पूरे 9 दिन पड़ने वाली गर्मी को नौतपा कहा जाता है। आध्यात्म के अनुसार सूर्य की किरणें इन 9 दिनों में सीधे धरती पर पड़ती है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। आध्यात्म में नौतपा के दिनों में दान का भी महत्व बताया गया है, साथ ही कुछ चीजों के खाने से पाबंदी भी लगाई गई है।